नमस्कार किसान भाइयों, आज ये दो महानुभाव पधारे हैं। श्री फूल सिंह लील की जैविक खेती समूह का प्लांट पहले भी एक बार आकर के समझ चुके हैं और आज दोबारा फिर इन्होंने प्लांट को समझाया। वो पीछे डाणी दिख रही है, वहाँ वो प्लांट लगा हुआ है और ये कॉटन की फसल है। तो आज इनसे पूछते हैं परिचय। कृष्ण कुमार धारणिया, हाल निवासी सूरतगढ़ जी। जमीन मेरी पीड़ीबंगा के पास एक एल केस में है जी। जी तो आपको ये वेस्ट डी कंपोजर तथा वेस्ट डी कंपोजर से तैयार उत्पादों द्वारा ये नरमा की फसल यानी कॉटन जो है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आज आके खेत का भ्रमण किया है तो खेत के अंदर क्या है कि केंचुए भी खूब काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर ये काला काला स्पॉट जो बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे का जो कार्बन है उसको घोड़ के लिए ऊपर जमीन पे आ गया। ये जी नरमे की पैदा है, फसल है वो बहुत बढ़िया खड़ी है जी। जी नीचे से डंठल है वो भी अच्छा मोटा है, फुटान भी अच्छी है, ग्रोथ भी बढ़िया है, छोटे डिंडे भी लगे हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं जी। तो ये कॉटन की मैं हाइट दिखाता हूँ आपको, इसमें सिर्फ दो ही पानी लगे हैं। ये हाइट और ये इसकी हाइट आपके सामने दिख रही है, कमर से ऊपर है मतलब। हाँ तो ये कमर के आसपास है, कमर से ऊपर भी है। देखिए इनके जस्ट खड़े हैं, इनके कोने के आसपास आ रही है हाइट इसकी कॉटन की जी। तो फुटान वगैरह? फुटान बहुत बढ़िया है जी और फूल गुड्डे भी अच्छे लगे हुए हैं जी। बाकी बहुत कोई कमी नहीं है मतलब, दूर से ऐसे ग्रीन नजर आ रहा है जैसा कोई मतलब है भी जी। केमिकल खेती जो करते हैं उनके मुकाबले ये कॉटन आपको कैसी लगी वेस्टी कंपोजर से? उसमें इसमें तो फर्क बहुत है, अंतर बहुत है। दूसरा ये है कि बाकी उसके पेस्टिसाइड वाले हम देखते हैं तो ये मक्खी मच्छर घूमते रहते हैं, इसमें कहीं नजर ही नहीं आया मतलब जी। और ये थोड़ा दिखाइए, पत्ते को दिखाइए थोड़ा, है ना, पीछे से बैक साइड से। पत्ते बिल्कुल साफ हैं इसके जी। बाकी तो दूसरों में तो देखते हैं तो वो जी, एक सेकंड में आपको एक नया पत्ता दिखाता हूँ। नए पत्ते पर ही पीछे जो है बीमारियां होती है, तो ये नया पत्ता देखिए आप, इसके पीछे कहीं आपको कोई बीमारी नजर नहीं आती, नजर नहीं आ रही, कोई हरा तेला कोई और कुछ नहीं है। कोई भी पत्ता देखिए आप, पत्ते के पीछे का कलर जो है वो बिल्कुल साफ है, बीमारियां नहीं दिख रही है। जैसे हरा तेला वगैरह जो पत्ते के पीछे हमेशा छुप के रहता है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, और फूल आने चालू हो गए हैं, फूल गुड़ियाँ स्टार्ट हैं जी। और कुछ करना चाहेंगे सर? बहुत बढ़िया है साहब, हर पत्ते पे मतलब है भी इसकी फुटान है जी। जैसे पत्ता निकलता है वहीं से टहनी निकलती है, टहनी में भी फूल आते हैं जी। करीब करीब हर पत्ता नहीं, अल्टरनेट पत्ते पे तो टहनी है ही है जी। जी फुटान के हिसाब से ही है जी। जी और बहुत अभी तो समय पड़ा है इसका फुटान का, फ्रूटिंग का जी। जी बढ़िया हो जाएगा ये। तो आप सर किस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं? मैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर हुआ था सहायक अभियंता के पद से जी। जी मेरे को 7-8 साल हो गए खेती करते हुए, लेकिन इस डीकम्पोजर से मैं 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। जी तो प्रयास कर रहा हूँ इसको सफल बनाने के लिए जी, कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए 2 बार इस प्लांट पे आगे देखने के लिए जी, जो भी कोई कमियाँ महसूस होती है उसको यहाँ देख के सुधार कर लेते हैं जी। जी ये तो किसानों के लिए आप क्या कहोगे? किसानों को तो ये है कि जो भी चीज़ या तो कहीं पड़ोस में किसी के लग रहा है तो उसको जाके देखो, और नहीं तो वीडियो देखो और देखो, उसमें जो भी कहते हैं
और एग्रीकल्चर वाले भी कई बार बताते रहते हैं, तो उससे थोड़ी प्रेरणा लेकर करने की कोशिश करोगे तो ही बदलेगा, और ये बदल जाएगा तो जीवन बदल जाएगा। अब अपने क्या है कि पेस्टिसाइड के चक्कर में पड़े रहते हैं कि उसमें खर्चे की तरफ देखते नहीं, यार इसमें कहते हैं भी खर्चा ज़्यादा लगता है, पैदा कम होती है। आप इस चीज़ को आंकलन करो कि जो आदमी पेस्टिसाइड वाली चीज़ें खाते हैं, घर में मान लो 10 मेंबर हैं जी, 10 मेंबर में अगर दो ही आदमी बीमार हो गए तो आपकी 5 साल की पैदा लग जाती है उसके अंदर जी, और वो अगर पैदा कम होती है तो वो 5 साल की पैदा है वो खर्चा है वो बच जाता है जी। और दूसरा इसका ये है कि धीरे 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 आने वाली जनरेशन है वो मजबूत होती है। इस जो जैविक खेती के खान पान से मतलब मानसिक मानव शरीर की जो संरचना है वो मजबूत होती है। अब अपने पीछे जाएं 100-150 साल पहले, तो पहले जो बुजुर्ग थे वो टेकटे होते थे जी, हाइट अच्छी होती थी, उसका कारण यही है कि वो शुद्ध खाना जैविक खाते थे, और जो ही पेस्टिसाइड आने लग गया उसकी क्या है कि शरीर की हाइट भी कम होगी, ताकत भी कम होगी, और उसी की वजह से बीमारियां भी अधिक होगी जी। इसलिए सभी किसानों से मेरा अनुरोध है कि वो जितना हो सके, भाई सारा नहीं कर सकते, चलो ठीक है 10वें हिस्से में 15वें हिस्से में 5वें हिस्से में अपनी खेती को उस सुधार की तरफ करो आप, तो धीरे धीरे 2-3 साल में सुधार हो जाएगा जी। जी बहुत ही बढ़िया संदेश है, जैविक खेती से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, तो इसलिए जैविक अपनाइए, जैविक किसान भारत की शान, वापस प्रकृति की ओर लौट चलें, ताकि भविष्य उज्जवल हो, आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो, वो मजबूत हो, स्वस्थ हो, माँ भारती स्वस्थ हो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चेतरंजन सिंह, 13 BLDB, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान।